मैं हूँ पायल अग्रवाल। बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको उसे नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस सिखाऊंगी, जिसमें जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ये मेन इसका आइडेंटिफाई होता है। इसकी पहचान है, लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे लास्ट में आते हैं वाक्य। और हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क लगा आता है और हम आंसर में भी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ये होती है इसकी पहचान, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में हम वास बियन लगाते हैं। बाकी वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं फिर वास बियन। अब इसमें है वास बियन, सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब इसके आगे देख लीजिए, इसके रूल्स हैं, ही शी इट ने, ये है सिंगुलर क्योंकि वन पर्सन है। इसमें हम क्या करेंगे, आई वास, वास लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ये है मेन इसका। किसके लिए यूज करेंगे, ही शी इट नेम आई, ये सब होंगे तो हम ये रूल यूज करेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिर्फ एक पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है यू वी दे, ये क्या है, ये है प्लूरल, ये एक से दो होते हैं लोग तब बातें करते हैं इनके बारे में। इसमें हम वेयर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अब हम अपने एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों एग्जांपल। फर्स्ट है क्या से, देखो स्टार्ट हो रहा है, क्या वह जा रहा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो हमें समझ आ गया क्या से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। था आ रहा है तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या वह जा रहा था, तो आप देखिए हम वास का यूज करेंगे क्योंकि ये वन पर्सन के बारे में बात करना है, वास। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही लगा देंगे, वास ही जा रहा था, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, वास ही गो, आईएनजी लगा दिया, गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन है क्या वह जा रहा था, वास ही गोइंग। इतना छोटा सा सेंटेंस था और इतनी इजी तरह हमने उसको सॉल्व कर दिया सिर्फ रूल्स के मेथड से। नेक्स्ट है क्या तुम पढ़ रहे थे। अब ये देखिए तुम आ रहा है, तो तुम क्या होता है, दो पर्सन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम प्लूरल का यूज करेंगे, प्लूरल में वेयर लगाते हैं, तो सबसे पहले वेयर आ जाएगा, वेयर, तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू। अब ये देखिए मेन वर्ब क्या आ गई, पढ़ रहे थे, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, आईएनजी लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्या है क्वेश्चन, क्या तुम पढ़ रहे थे, वेयर यू रीडिंग। नेक्स्ट है क्या काजल खेल रही थी। अब इसमें देखिए नेम आ गया, नेम से भी हमारा सिंगुलर होता है, तो इसमें भी वास लगाएंगे, वास, नेम लिख देंगे काजल का, ये हमारा सब्जेक्ट है, वास काजल खेल रही थी, खेलने को क्या करते हैं, प्ले, आईएनजी लगा देंगे, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या काजल खेल रही थी, वास काजल प्लेइंग, ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्या तुम स्कूल जा रहे थे। अब तुम है, तुम भी हमारा दो पर्सन की बात होती है, तो ये प्लूरल है, हम वेयर लगाएंगे, वेयर यू,
लगा देंगे वेयर आर यू गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन था हमारा क्या तुम स्कूल जा रहे थे, वेयर आर यू गोइंग टू स्कूल। लास्ट हमारा क्या वह सो रहा था, अब क्या है वह आ रहा है तो ये हमारा सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, वाज वह को ही कहते हैं, वाज ही, सोने को क्या कहते हैं स्लीप, हम आईएनजी लगा देंगे एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह सो रहा था, वाज ही स्लीपिंग। ये देखो बच्चों कितने इजी तरह से हमने कितनी जल्दी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया सिर्फ हमारे रूल को देखते हुए। आप रूल याद कर लीजिए, कितना भी टफ सेंटेंस हो आप उसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। क्या है जा रहा था, वाज ही गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है तो आंसर में भी आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। क्या तुम पढ़ रहे थे, वेयर आर यू रीडिंग। क्या काजल खेल रही थी, वाज काजल प्लेइंग। क्या तुम स्कूल जा रहे थे, वेयर आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या वह सो रहा था, वाज ही स्लीपिंग। समझ आ गया बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।